वॉट इज पोर्टेबल वाटर एंड हाउ वाटर इज प्योरिफाइड। तो दोस्तों आगे चलते हैं, पोर्टेबल वाटर क्या होता है और पानी को शुद्ध कैसे कराया जाता है, आइए जानते हैं इसके आगे। वाटर विच इज सुटेबल फॉर ड्रिंकिंग इज कॉल्ड पोर्टेबल वाटर। पानी के लिए उपयुक्त जल को पेयजल कहते हैं। यहां तक हमने पिछली वीडियो में पढ़ चुके थे। यू हैव सीन हाउ वेरियस फिजिकल एंड केमिकल प्रोसेसेस इन द सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स हेल्प टू क्लीन वाटर बिफोर डिस्चार्जिंग इट इनटू वाटर बॉडीज। आपने देखा है कि किस प्रकार विभिन्न भौतिक तथा रासायनिक प्रतिक्रियाओं द्वारा जलाशयों में गिरने से पूर्ववाहिल मल उपचार संयंत्रों में जल को शुद्ध किया जाता है। तो फ्रेंड्स अगर आपने नहीं देखा कि कैसे, फ्रेंड्स अगर आपने देखा है तो किस अलग अलग तरीके से फिजिकल और केमिकल प्रोसेसेस के जरिए सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट द्वारा पानी को साफ कराया जाता है बिफोर उन्हें किसमें वाटर बॉडीज में छोड़ने से पहले। जैसा कि आप इस इमेज में देख सकते हैं आप कि किस तरीके से ये पूरा क्या है, ये सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट है, ये पूरा सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट है और आप देख सकते हैं इसका प्रोसेस। अगर आपको नहीं पता तो ये देख सकते हैं आप पूरा प्रोसेस, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, सीवेज ट्रीटमेंट प्रोसेस। मैं इसके बारे में आपको बताता हूँ, आइए इसके बारे में जानते हैं। ये पाइप टेक वाटर टू ट्रीटमेंट सेंटर, ये पाइप्स हैं, ये ट्रीटमेंट सेंटर है। तो यहां से पानी गया, आप ये देख सकते हैं ये गया और ये पहले गया स्क्रीनिंग स्टेज पर, यहाँ इसकी स्क्रीनिंग होती है। फिर उसके बाद प्राइमरी ट्रीटमेंट स्टेज में गया जो कि यह है, और फिर सेकेंडरी ट्रीटमेंट स्टेज जो कि यह है, फिर उसके बाद फाइनल ट्रीटमेंट स्टेज। आप देख सकते हैं किस तरीके से फिजिकल केमिकल प्रोसेसेस हो रहे हैं। ये कुछ स्टेजेस हैं जहां पर फिजिकल केमिकल प्रोसेसेस होते हैं, फिर उसके बाद जब जाकर ये लास्ट में किसमें वाटर बॉडीज में इनको डिस्चार्ज कराया जाता है। ये वाटर देख सकते हैं आप, इसको वाटर फिल्टर्ड इनटू रिवर, इसे रिवर में फिल्टर कराया जाता है, फिर उसके बाद ये रिवर में इन्हें सेंड कर दिया जाता है। तो इस तरीके से ये होता है सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का प्रोसेस। सिमिलरली म्यूनिसिपल बॉडीज ट्रीट द वाटर बिफोर सप्लाइंग इट टू हाउस होल्ड्स। इसी तरीके से जैसे सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स क्लीन करते हैं, पानी को साफ करते हैं इन्हें वाटर बॉडीज में डिस्चार्ज करने से पहले, तो इसी तरीके से म्यूनिसिपल बॉडीज होती हैं कुछ जो वो भी पानी को ट्रीट करती हैं घरों में भेजने से पहले। इसी प्रकार नगर निगम अथवा नगर पालिकाएं घरों में आपूर्ति करने से पूर्व जल का उपचार करती हैं। जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं ये रिवर से पानी लिया। हाउ डू वी गेट द मोस्ट आउट ऑफ आर म्यूनिसिपल वाटर, म्यूनिसिपल वाटर कैसे घरों तक पानी पहुंचाता है। सबसे पहले रिवर लेक से या रिजर्वायर से वाटर लिया, फिर उसकी स्क्रीनिंग हुई, फिर थर्ड स्टेप प्री क्लोरिनेशन, फिर फ्लोकुलेशन, फिर पोस्ट क्लोरिनेशन, फिर सेटलिंग, सैंड फिल्ट्रेशन, फिर पोस्ट क्लोरिनेशन, ये हुआ प्रोसेस, फिर उसके बाद एरेशन, पीएच एडजस्टमेंट, फ्लोरिडेशन, फिर टू म्यूनिसिपल वाटर मेंस। अब ये वहाँ गया म्यूनिसिपल वाटर मेंस, इससे फिर उसके बाद हमारे घरों में पहुँचता है। तो ये पूरा प्रोसेस है कैसे म्यूनिसिपल प्रोसेस करता है बिफोर सेंडिंग टू द आर हाउसेज। सो फ्रेंड्स अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन सो डोंट मिस एन अपडेट ऑफ एनी एजुकेशनल वीडियो।